तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बार डिप्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो कि ट्राइसेप वाले दिन अपना बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर बार डिप्स वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनको कोई ऐसी एक्सरसाइज ही ना बताए? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बार डिप्स का ऑल्टरनेटिव क्या है, एंड ऑल्टरनेटिव के साथ साथ मैं वो कैसे करनी है वो एक्सरसाइज वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं बार डिप्स की काइनसोलॉजी के बारे में। बार डिप्स करते कैसे है, कौन कौन से जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड कौन कौन से जॉइंट एक्शन होते हैं, एंड उसमें मसल कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। अगर हमें ये सारी चीजों का पता होगा तभी हम इसका ऑल्टरनेटिव बना पाएंगे। अगर हमें ये ही नहीं पता है कि बार डिप्स के टाइम पे जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे जॉइंट एक्शन क्या हो रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जानते कि बार डिप्स करते कैसे हैं एंड इसमें जॉइंट एक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। देख, तो अभी आपने देखा बार डिप्स करते कैसे हैं, तो यहां पे जॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले मेरा शोल्डर जॉइंट, जो कि क्या हुआ, जब मैं नीचे की तरफ गया तो मेरा शोल्डर जॉइंट पीछे की तरफ गया, मतलब शोल्डर एक्सटेंशन में गया, एंड एल्बो मेरी ऊपर की तरफ आई, एल्बो मेरी बंद होने लगी, तो एल्बो फ्लेक्शन में गई। ये कब गई, जब मैं नीचे की तरफ गया, जब मेरी बॉडी इसेंट्रिक फेस में गई। तो इसेंट्रिक फेस में क्या हुआ, मेरा शोल्डर एक्सटेंशन में गया एंड मेरी एल्बो फ्लेक्शन में गई। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ऊपर की तरफ आया, जब मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, उस टाइम पे क्या हुआ, जो मेरा शोल्डर है वो मेरा फ्लेक्शन में आया एंड उसके साथ साथ मेरी एल्बो एक्सटेंशन में हुई। तो दो जॉइंट्स मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये मेरे कंपाउंड मूवमेंट है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है, तो अनसपोर्टिव कंपाउंड मूवमेंट ये मेरी बन जाती है। दो जॉइंट्स शोल्डर एंड एल्बो, शोल्डर के ऊपर क्या हो रहा है, जब मैं वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं रेजिस्टेंस को लिफ्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या हो रहा है, शोल्डर मेरा फ्लेक्शन में जाता है। दूसरा एल्बो, एल्बो मेरी एक्सटेंशन में जाती है, जब मैं वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं रेजिस्टेंस को लिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने की बात करता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा शोल्डर फ्लेक्शन होता है एंड एल्बो एक्सटेंशन होता है। शोल्डर फ्लेक्शन कराता है मेरा एंटीरियर डेल्टॉइड एंड एल्बो एक्सटेंशन कराता है मेरा ट्राइसेप्स, ट्राइसेप ब्रकाय। तो जब मैं बार डिप्स करता हूं तो मेरे दो मसल्स वर्क करते हैं, दो मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब देखते हैं इसका अल्टरनेटिव कि सेम जॉइंट एक्शन हो, सेम मसल्स इन्वॉल्व हो एंड बार डिप्स मैं अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट ना कर पा रहा हूं। अगर कोई इंडिविजुअल बार डिप्स नहीं कर पा रहा, अपना बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा, स्टिल वो ये सेम जॉइंट एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, तो कैसे वो कर पाएगा? तो बार डिप्स के टाइम पे मैं क्या करता हूं, अपने बॉडी वेट से ही स्टार्ट करता हूं। जो मेरा पहला सेट होगा, जो मेरा पहला रैप होगा, वो क्या होगा, मेरा बॉडी वेट ही होगा। एंड प्रोग्रेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बॉडी वेट के साथ साथ प्लेट्स को ऐड कर सकता हूँ। एंड अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बॉडी वेट को लिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन। अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ट्राइसेप पुश डाउन में एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन में, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले ट्राइसेप एक्सटेंशन देखते हैं कैसे होती है। तो ट्राइसेप एक्सटेंशन के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी एल्बो मूव करती है एंड जो कि ये मेरे एक आइसोलेशन मूवमेंट है, सर्कुलर पाथवे आता है एंड सिंगल जॉइंट वर्क करता है। एंड कौन सा जॉइंट वर्क करता है, एल्बो जॉइंट, एल्बो के ऊपर होता है एल्बो एक्सटेंशन, तो इसलिए बोलते हैं इसको ट्राइसेप एक्सटेंशन। एंड ट्राइसेप पुश डाउन क्या होता है, पुश डाउन में जैसे कि मैं अगर किसी भी चीज को नीचे की तरफ धकेलता हूं, उसको नीचे की तरफ दबाता हूं, उसकी मिमिक्री होती है ट्राइसेप पुश डाउन। वो कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं। अब यहां पे मेरे दो जॉइंट्स वर्क करेंगे, जैसे कि बार डिप्स में था मेरा शोल्डर जॉइंट भी वर्क कर रहा था, मेरे एल्बो जॉइंट भी वर्क कर रही थी। तो ट्राइसेप पुश डाउन एक कंपाउंड मूवमेंट है एंड यहां पे मेरे दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड एक स्ट्रेट लाइन पाथवे मेरे को यहां पे देखने को मिलता है, जिससे कि मेरे को कॉन्टिन्यूस टेंशन यहां पे मिलती है। बट जैसे ही पाथवे सर्कुलर हो जाता है, वहां पे मेरे मसल के ऊपर से कॉन्टिन्यूस टेंशन हट जाती है, जो कि मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन का एक और ड्रॉबैक है, जैसे ही मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन करता हूँ, मेरा सारा का सारा लोड एक ही सिंगल टेंडन के ऊपर आता है, जो कि मेरा ट्राइसेप टेंडन है उसके ऊपर।
एंड जब मैं पुश डाउन करता हूँ तो वहां पे मेरा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो अलग अलग टेंडन्स के ऊपर, दो अलग अलग मसल्स के ऊपर। तो एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर मेरे ऊपर सारा लोड नहीं आता है, तो मेरे को टेंडनाइटिस नहीं होगा। जिम्स में अगर आप देखोगे 100 में से 80 या 75% लोगों को एल्बो में इंजरी रहती है, एल्बो में पेन रहता है। रीजन क्या है? जब वो सर्कुलर पाथवे को सेलेक्ट करते हैं, जब वो आइसोलेशन मूवमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो उनके टेंडन के ऊपर इन्फ्लामेशन आती है, उनके टेंडन के ऊपर पेन होता है, तो उसको ही बोलते हैं टेंडनाइटिस। जब किसी टेंडन के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको बोलते हैं टेंडनाइटिस। एंड इसका मेन कॉज यही है कि एक उस पर्टिकुलर सिंगल टेंडन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल देना। तो जब मैं ट्राइसेप पुश डाउन करता हूं तो मेरे एक पर्टिकुलर एक सिंगल टेंडन के ऊपर कोई भी लोड नहीं आता है, मेरा जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि स्ट्रेट लाइन पाथवे मेरे को मिलती है। स्ट्रेट लाइन पाथवे मिलेगा तो कॉन्टिन्यूस टेंशन मेरे को मिलेगा, तो रिजल्ट्स मेरे को ट्राइसेप एक्सटेंशन से ज्यादा ट्राइसेप पुश डाउन में मेरे को ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करती है। तो बार डिप्स के टाइम पे हमने देखा था कि हमारे दो जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं, एक है मेरा शोल्डर जॉइंट, एक है मेरा एल्बो जॉइंट। अब सेम जॉइंट्स मेरे को यहाँ पे ट्राइसेप पुश डाउन में भी वर्क कराने हैं। वहां पे क्या हो रहा था, कंसेंट्रिक फेस में जहां पे मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था उस टाइम पे मेरा शोल्डर फ्लेक्शन में आ रहा था एंड मेरी एल्बो एक्सटेंशन में जा रही थी, ये मूवमेंट हो रही थी। एंड सेम मूवमेंट मेरे को अभी यहाँ पे करनी है। जब मैं वेट को नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो मेरा शोल्डर फ्लेक्शन में जाएगा एंड एल्बो एक्सटेंशन में। एंड जब मैं वेट को नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, इसेंट्रिक फेस में लेके जाऊंगा, ग्रेविटी जब उसको अपने पास खींचेगी तब वहां पे क्या होगा, मेरा शोल्डर एक्सटेंशन में जाएगा एंड मेरी एल्बो फ्लेक्शन में। पहले इसेंट्रिक फेस देखते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, शोल्डर मेरा पीछे की तरफ गया है एंड एल्बो मेरी फ्लेक्शन में गई है। तो एल्बो फ्लेक्शन है एंड शोल्डर एक्सटेंशन है। अब मेरे को कंसेंट्रिक फेस लेके आना है। कंसेंट्रिक फेस में शोल्डर मेरा फ्लेक्शन में आएगा एंड एल्बो मेरी एक्सटेंशन में आएगी। देखते हैं, तो पाथवे मेरा स्ट्रेट है, शोल्डर एंड एल्बो के ऊपर नजर रखिए। तो सेम जॉइंट एक्शन मेरा यहां पे हो रहा है जो मेरा बार डिप्स में होता था। शोल्डर मेरा पहले पीछे की तरफ जाएगा एंड एल्बो बेंड होगी, उसके बाद एल्बो स्ट्रेट होगी एंड शोल्डर मेरा आगे की तरफ आएगा। तो ये जॉइंट एक्शन मेरा बार डिप्स में भी हो रहा था एंड यही जॉइंट एक्शन मेरा ट्राइसेप पुश डाउन में भी हो रहा है। एंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन में एंड पुश डाउन में। मैंने पहले बताया था कि ट्राइसेप एक्सटेंशन में मेरा सिंगल जॉइंट वर्क होता है जो कि क्या है, एल्बो एक्सटेंशन। ये जॉइंट एक्शन परफॉर्म होगा, यहां पे मेरा सिंगल टेंडन वर्क कर रहा है, सिंगल मसल वर्क कर रहा है एंड सिंगल जॉइंट वर्क कर रहा है। ट्राइसेप पुश डाउन में मेरे दो मसल्स वर्क करते हैं, दो टेंडन वर्क करते हैं एंड दो जॉइंट्स मेरे वर्क करते हैं। तो ट्राइसेप पुश डाउन मेरी कंपाउंड मूवमेंट है एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन मेरी आइसोलेशन मूवमेंट है। तो जो लोग बार डिप्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वो ट्राइसेप पुश डाउन को अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो जो लोग अपना बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए ट्राइसेप पुश डाउन बनाई गई है। तो अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन को करते हो, प्रोग्रेशन में करते हो, जब जब आप अपने ट्राइसेप को ट्रेन करते हो उस टाइम पे इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड करते हो तो आप बार डिप्स भी परफॉर्म कर पाओगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका मसल स्ट्रांग होगा आप धीरे धीरे अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करना स्टार्ट कर दोगे एंड उसके बाद आपको ट्राइसेप पुश डाउन करने की नीड नहीं है, आप सीधा बार डिप्स परफॉर्म कर सकते हो। तो आज मैंने आप लोगों को बार डिप्स का अल्टरनेटिव बताया कि वो इंडिविजुअल जो कि बार डिप्स परफॉर्म नहीं कर सकता है उन लोगों के लिए ट्राइसेप पुश डाउन, आप लोग ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म कर सकते हो एंड जैसे जैसे आपका मसल स्ट्रांग होगा आप बार डिप्स की तरफ आ जाओ। उस टाइम पे पुश डाउन छोड़ दो, आप डायरेक्ट अपना बार डिप्स स्टार्ट करो, अपना बॉडी वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करो। तो आपको अगर एक्सरसाइज पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट करके बताएं आप कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते हो, उनका अल्टरनेटिव मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड और भी ज्यादा एक्सरसाइजेस साइंस के बारे में जानने के लिए, वर्कआउट रूटीन्स के बारे में जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो।